ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। भक्तजनों, आज आप सबको श्री गणेश के प्रथम देवता बनने की कथा सुनाऊंगा मैं। गणेश जी प्रथम पूज्य कैसे बने, आइए इसकी कथा सुनाते हैं हम आप सबको। प्रथमेश्वर भगवान की कथा सुनो मन लाय, जन्म जन्म के पाप से भक्तों मुक्ति मिल जाय, जन्म सफल हो जाय। श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश की भाद्रपद शुक्ल दशमी की पूजा हेतु श्री गणेश भक्तों को अनेका अनेक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सच्चे मन से बोलिए, बोलिए प्रथमेश्वर भगवान की जय। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने यस्यागस्त्याय येनास विघ्न सागर शोषणे। नमो नमस्ते परमार्थ रूपम, नमो नमस्ते खिल कारणाय, नमो नमस्ते खिल कारकाय सर्वेन्द्रियाणं धियासिनेपि, नमो नमो भक्त मनेरथेश, नमो नमो विश्वविधान दक्ष, नमो नमो दैत्विनाश हेतो, नमो नमः संकट नाशनाय। ॐ गं गणपतये नमः। भक्तजनों, एक बार सभी देवगण यह तय करने में जुट गए कि प्रथमेश्वर कौन हो, किसकी पूजा सबसे पहले की जाए, किसका भाग सबसे पहले निकाला जाए। इस बात पर आपस में सहमति न बनने पर सारे देवता भगवान शिव के पास कैलाश पर जा पहुंचे। भगवान शिव ने देखा कि सारे देवता चले आ रहे हैं, उनके साथ गणेश और कार्तिकेय भी हैं। सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, राहु, केतु, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, बुध के साथ इंद्रदेव स्वयं कैलाश की शोभा बढ़ा रहे हैं। इंद्र ने भगवान शिव के आगे प्रश्न खड़ा किया कि हे आदिदेव महादेव, हम सभी देवताओं में कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो, कृपया इसका निवारण करें। भगवान शिव जी ने महादेवी पार्वती जी की ओर देखकर कहा, देवी कैसे निवारण हो, प्रश्न बड़ा जटिल है। महादेवी ने कहा, देखिए सभी देवता अपने अपने वाहन से यहाँ पधारे हैं, सभी शक्तिशाली और दिव्य शक्तियों से सुशोभित हैं, इसमें से किसी एक को सर्वोत्तम चुन लीजिए। यह सुन महादेव भगवान शिव ने जगदम्बा का इशारा समझकर सभी देवताओं को कहा कि आप सब लोग अपने अपने वाहन पर बैठिए और
संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आइए। जो सबसे पहले आएगा वही प्रथम पूज्य प्रथमेश्वर कहलाएगा, उसकी ही अग्र पूजा की जाएगी। शिव की आज्ञा पाते ही सब अपने अपने वाहन पे बैठकर चल दिए। केवल बचे तो श्री गणेश जी अपने वाहन मूषक पर बैठे रहे और काफी देर तक सोचते रहे। श्री गणेश ने बुद्धि का अपने किया प्रयोग, दिव्य ज्ञान विज्ञान से रच दिया एक संयोग। शिव भगवान तो महादेव हैं, उनमें सकल ब्रह्मांड, क्यों न शिव की परिक्रमा कर रच दूं नया विधान। ओम गणपतये नमः। अतः लंबोदर भगवान अपने मूषक पर बैठे और माता पिता की परिक्रमा करके सबसे पहले शिव के समक्ष प्रस्तुत हो गए। अभी सभी देवता अपनी यात्रा ही कर रहे थे। जब सारे देवता लौट कर आए तो देखते हैं कि वहां लंबोदर भगवान पहले से ही अपने मूषक पर बैठे उपस्थित हैं। भक्तों, सभी देवता यह देखकर चकित रहे। जब शिव से पूछा गया कि लंबोदर को कैसे अग्र देवता माना जाए, तब शिव जी ने बताया कि गणेश ने अपनी बुद्धि से यह प्रतियोगिता जीती है, क्योंकि जगदम्बा में व मुझ में यह संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है और गणेश ने माता पिता की परिक्रमा कर सिद्ध कर दिया कि इनकी बुद्धि और विवेक प्रथमेश्वर के अनुरूप है, अतः गणेश का पद लंबोदर ही संभाल सकते हैं। भगवान शंभु के इस निर्णय को मानते हुए सभी देवता उन्हें गणेश प्रथमेश मानकर हर्षित होते हैं और गणेश जी की जय जयकार कर उठते हैं। बोलो भगवान प्रथमेश्वर देव गणेश की। आदि पूज्यम गणाध्यक्षम उमापुत्रं विनायकं मंगलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। सब देवों ने स्वीकारा फिर प्रथम देव गणराज को, अपना देवा मान लिया श्री प्रथमेश्वर महाराज को। सभी देवताओं ने मिलकर पूजन किया गणेश का, कोटि कोटि वंदन करके अभिषेक किया देवेश का। तब से श्री गणेश जी की नित पूजा पहले होने लगी। प्रथम नाम उच्चारण होता शंका सभी की मिटने लगी। ओम गणपतये नमः। मेरे प्यारे प्यारे भक्तजनों, भगवान गणपति वैदिक व सनातन धर्म में प्रथमेश्वर माने जाते हैं। कोई भी कार्य आरंभ होता है तो श्री गणेश विघ्नहर्ता, दुखहर्ता और सुखकर्ता के रूप में वहां उपस्थित रहते हैं, ऐसा आचार्यों का मत है। आइए हम सब प्रथम पूज्य भगवान गणेश की वंदना करते हैं, उनके जयकारे लगाते हैं।
बोलो प्रथमेश्वर भगवान गणेश की जय। भक्तजनों, हमने आज आपको यह कथा सुनाई कि भगवान गणेश प्रथम पूज्य कैसे बने। कल हम आपको गणेश जी का विवाह कैसे हुआ, श्री गणेश जी के विवाह की कथा सुनाएंगे। तब तक भगवान की भक्ति में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लीन रहिए। कल्याण मस्तु। ओम गंगणपतये नमः। ओम